नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RBInfoPlus पे। ये एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल चैनल है। इस चैनल पर मैंने कोरोना से संबंधित काफी वीडियोस बनाई हुई हैं और साथ में दसवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अवसर दिया है कि घर बैठे ही इसमें 10th साइंस की स्टडीज कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा हटके है। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी। क्या है ये पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी? हमने देखा कि ऑटोप्सी इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। मतलब किसी भी मृत व्यक्ति के मृत्यु का कारण का पता करने के लिए जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसे ऑटोप्सी कहते हैं। हमने देखा जो ऑटोप्सी है वो दो प्रकार की मेनली की जाती है। पहला है क्लिनिकल ऑटोप्सी और दूसरा है फॉरेंसिक ऑटोप्सी। जो क्लिनिकल ऑटोप्सी होती है इट इज रिलेटेड विद रिसर्च और मेडिकल ट्रेनिंग, मतलब मेडिकल ट्रेनिंग के उद्देश्य से या रिसर्च के उद्देश्य से ये क्लिनिकल ऑटोप्सी की जाती है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है फॉरेंसिक ऑटोप्सी या मेडिको लीगल ऑटोप्सी। जैसे हमने इसमें वर्ड लग गया लीगल, मतलब कानून से रिलेटेड या कानूनन जो ऑटोप्सी की जाती है उसे हम फॉरेंसिक ऑटोप्सी या मेडिको लीगल ऑटोप्सी कहते हैं। अब हमने देखा ये कब की जाती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डेथ। अगर मृत्यु साधारण तौर से हो रही है, सामान्य है, तब भी हम ये क्लिनिकल फॉरेंसिक ऑटोप्सी कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ है, होमिसाइड है, सुसाइड है और अनडिटरमिन्ड डेथ है, मतलब ऐसी मृत्यु जिसका हमें पता ही नहीं है, ऐसी मृत्यु को भी हम फॉरेंसिक ऑटोप्सी में लेते हैं। आइए हमने देखा कि ये ऑटोप्सी होती क्या है, कैसे क्या किया जाता है पोस्टमार्टम। हमने देखा जब भी कोई ऐसा मृत शरीर जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और उसके मृत्यु का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल पा रहा है, तो ऐसे मृत शरीर को हम पोस्टमार्टम रूम में लेके आते हैं। पोस्टमार्टम करने वाले विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्हें कॉर्नर कहते हैं, जो अपने कार्य में दक्ष रहते हैं। अब ने देखा कि सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेचर पे लेटाया जाता है और उसका फोटोग्राफी की जाती है। संपूर्ण कार्यक्रम जो है वीडियोग्राफ भी रहता है। फोटोग्राफी पहले कपड़ों के सहित की जाती है और फिर निर्वस्त्र करके उसकी कंप्लीट फोटोग्राफी की जाती है हर एक एंगल से। इससे यह पता चलता है कि शरीर पर कोई ऐसा निशान तो नहीं है या स्ट्रगल मार्क्स तो नहीं है। उसके पश्चात जब फोटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो शरीर का एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है। पूरे शरीर को एक्सरे एग्जामिनेशन के अंडर किया जाता है। एक्सरे हमें अंदरूनी किसी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन, बोन डिसलोकेशन, डिफॉर्मिटीज या कोई फॉरेन मटेरियल है, बुलेट है या कोई शार्प नाइफ है, उसका पता करने के लिए हम एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं। एक बार जब एक्सरे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट का फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उसके नेल्स की अच्छी तरह जांच की जाती है कि उसके नाखूनों में कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं पाया जा रहा है। एक बार ये बाहरी जो फिजिकल टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं आपका इंटरनल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन का। उस केस में शरीर को स्ट्रेचर पे इस प्रकार लेटाया जाता है कि सिर बॉडी का जो ऊपरी भाग है ऊपर की तरफ फेस करता है, फेस और पीठ नीचे लटकी रहती है। एक रबर ब्लॉक या वुडन ब्लॉक को जस्ट पीठ के नीचे ऐसे रखा जाता है जिसके कारण हमारी जो चेस्ट है या छाती है वो थोड़ी उभर जाए। दोनों बाजुओं को साइडवर्ड लटका दिया जाता है। अब हमारा जो चेस्ट पोर्शन है वो थोड़ा सा उभर कर ऊपर की तरफ आ गया है। हम देखा सबसे पहले जो पोस्टमार्टम है वो स्टार्ट होता है एक वाई मार्क से। क्या है ये वाई मार्क? हमने देखा कि पहले चेस्ट में एक शार्प स्कैल्पल की मदद से, एक शार्प नाइफ की मदद से शोल्डर से लेकर हमारे स्टर्नम तक एक वी मार्क लगाया जाता है। मतलब दोनों शोल्डर, लेफ्ट और राइट शोल्डर से एक कट लगा के हमारे स्टर्नम ये बीच की हड्डी है, उसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं, वहां तक एक वी मार्क लिया जाता है और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है प्यूबिक बोन तक। हमारे पेट के नीचे जो हड्डी है यहां आप टच करेंगे तो आपको यहां पे हार्ट पोर्शन नजर आया, इसको प्यूबिक बोन कहते हैं। तो प्यूबिक एरिया तक एक स्ट्रेट लाइन ही आता है तो कंप्लीट एक वाई मार्क की बात करते हैं। अब हमने देखा कि स्किन को रिमूव करने के बाद
जो नीचे की मसल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। अब जैसे ही मसल्स रिमूव करते हैं तो जो रिब के जो हमारी पसलियां हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। दो बड़े इंसिजन्स, दो बड़े काट लगाए जाते हैं साइडवर्ड, जिस कारण हमारा जो ऊपर का जो रिब पार्ट है वो एक्सपोज होता है और रिमूव कर लिया जाता है। चेस्ट या रिब केज रिमूव करते ही हमारे ऑर्गन्स, जैसे हमारे देखा कि लैरिंग्स हो गया है, ट्रैकिया हो गया है, दो लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, ये एक्सपोज हो जाते हैं। इन अंगों को बाहर निकालकर इनका प्रॉपर वजन किया जाता है और वजन करने के साथ उसमें से टिश्यू सैंपल्स प्रिजर्व कर लिए जाते हैं फॉर बायोकेमिस्ट्रिकल स्टडीज। अब हमने देखा कि जो ऑर्गन्स हमने निकाले हैं या तो उनको हम फॉर्मलिन में प्रिजर्व कर देते हैं एज ऑर्डर्ड, जैसे निर्देश होते हैं, उन ऑर्गन्स को हम पूरा का पूरा भी प्रिजर्व कर सकते हैं या हम उसका टिश्यू सैंपल्स लेके प्रिजर्व भी कर सकते हैं। एक बार हमारे जब ऊपरी हिस्से का क्लियर हो जाता है तो अब हम ट्रेवल करते हैं अपने निचले हिस्से पे, मतलब एब्डोमन में। अब एब्डोमन को एक्सपोज करके उसमें हम स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया और भी जो स्प्लीन ऑर्गन्स हैं उनको डिटैच किया जाता है, उनको भी रिमूव किया जाता है, उनमें से भी टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं और साथ में अगर निर्देश होते हैं तो उन ऑर्गन्स को भी हम फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके फॉर फर्दर स्टडीज रख सकते हैं। अब जो इंटेस्टाइन है और स्टमक का जो कंटेंट है उसको प्रॉपरली ड्रेन आउट किया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ को बताता है, मतलब खाने को पचने में कितना समय अपच खाना पड़ा हुआ है वो एक डिटरमिन बताता है कि व्यक्ति ने मृत्यु से कितनी देर पहले कुछ खाया हुआ है या खाने के बाद वो कितना भोजन पचित हुआ है, वो एक अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ डेथ को डोनेट रिजल्ट बताता है। अब एक बार जब हमारे ऑर्गन्स जो है वो निकाल लिए गए हैं, उनका टिश्यू सैंपल प्रिजर्व कर लिया जाता है अंडर क्रायोजेनिक कंडीशंस, अब दोबारा जो है एक बार हमारे द्वारा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है रिकॉन्शियंसी ऑफ द बॉडी। रिकॉन्शियंसी ऑफ द बॉडी में हमने देखा कि ये ऑर्गन्स को अगर हमने प्रिजर्व नहीं किए हैं, टिश्यू सैंपल तो प्रिजर्व कर लिए हैं, अगर वो ऑर्गन प्रिजर्व नहीं किए गए हैं तो दोबारा उसी प्लेस में रख दिए जाते हैं। साथ ही साथ हमने देखा दोस्तों होता क्या है कि नेक्स्ट हम ब्रेन भी एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है, उसका भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वुडन ब्लॉक जो चेस्ट के नीचे रखा हुआ है उसको सरका कर हम सिर के नीचे रख देते हैं, जैसे हम तकिया लेते हैं। अब हमारा जो हेड रीजन है वो थोड़ा सा रेज्ड हो गया है, एक सर्कुलर कट से हम क्या करते हैं ऊपर की स्किन को रिमूव कर लेते हैं। स्किन के रिमूव करते ही ये जो स्कल होता है हमारा इसको एक्सपोज हो जाता है, एक कटर की मदद से जो स्कल को काटा जाता है, ब्रेन को रिमूव किया जाता है, उसको भी प्रॉपरली वेट किया जाता है, उसके भी टिश्यू सैंपल्स को लेकर प्रिजर्व किया जाता है। जब एक बार ये जांच पूरी हो गई, अब बॉडी को दोबारा सील दिया जाता है ऑर्गन्स के साथ। अगर वो ऑर्गन्स नहीं है तो कई बार हम कॉटन वूल स्टफिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और नॉर्मल शेप, बॉडी की नॉर्मल शेप बनाने का हम प्रयास करते हैं। एक और है, हम आंखों की भी जांच करते हैं। आंखों की जो बॉल है, आई बॉल, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, नेत्रोद्र या विट्रस ह्यूमर। उस विट्रस ह्यूमर की भी जांच हमें यह बताती है कि व्यक्ति को कोई जहर या टॉक्सिक मटेरियल ना दिया हो, तो साथ ही साथ इसकी भी जांच कर ली जाती है। इसके साथ हमारा ये पोस्टमार्टम का जो विषय है पूरा संपन्न होता है, बॉडी को रिलेटिव्स को हैंडओवर कर दिया जाता है अगर अनुमति मिलती है, वहां से बॉडीज को पिक करके फ्यूनरल या उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल में को सब्सक्राइब करें जैसे इस तरह की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। तो चैनल के साथ बने रहें, धन्यवाद, देखते रहें मेरा चैनल #RVInfoPlus। टिल देन, गुड बाय।